हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कल रात को मैं अपने फिशेस को फीड कर रहा था, अभी मैं यहाँ पर कुछ फिशेस की फ्राइज को देखा और मुझे ज़्यादा फ्राइज तो नहीं मिला, सिर्फ चार ही मिला, और हो सकता है बाकी जो फ्राइज था वो सबको मेरे बड़े फिशेस ने खा लिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही बताऊँगा कि अगर आप लोगों के पास भी फिशेस है और वो कभी बेबीज देती है इन फ्यूचर में, तो आप उन लोगों का केयर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्राइज है ये मौली फिश का फ्राइज है, और मे भी हो सकता है ये जो फ्राइज है ये एक या दो दिन का हो, क्योंकि मौली फिशेस एक बार में लगभग 60-70 बेबीज देती है या कभी कभी उससे भी ज़्यादा देती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं ये पॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और वो मौली फिशेस का फ्राइज को इसमें खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो अभी तक तो मुझे बस चार ही मिला है, होप करता हूँ आगे में भी कुछ मिल जाए। इससे पहले भी एक बार मेरा मौली फिश जो है वो बेबी दिया था, उस समय मुझे बस एक ही मिला था, जिसको कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको मैं एक बाउल में रखा हूँ बहुत सारा प्लांट्स डाल के, और आप लोगों को जैसे पता है कि मौली फिश बिना पंप का नहीं रह पाती है, तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें पंप का भी देखिए मैं यहाँ पर सप्लाई दिया हुआ हूँ। और अगर आप भी मौली फिशेस को अपना कोई टब में रख रहे हैं या बाउल में रख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको पंप का सप्लाई दीजिएगा। और अगर आपके पास पंप नहीं है तो आपको एवरी सेकेंड या थर्ड डे में पानी चेंज करना होगा 30% तक। या फिर अगर आपके पास बहुत सारा फ्राइज है, मान लेते हैं अगर आपके पास 30 फ्राइज है जिसको आप किसी टब में रखे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एवरी डे आपको पानी चेंज करना होगा 30% तक। फिशेज़ को फ्रेश वाटर अब सप्लाई करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी में जितना ही मीथेन या नाइट्रेट का कंटेंट जो है वो कम होगा, उतना ही पानी जो है फिशेज़ के लिए हेल्दी होगा। सो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन बस इतना ही है कि अगर आप अपने फ्राइज को किसी बाउल में रख रहे हैं या टब में रख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसको ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि आपको एवरी 2 डेज में आपको 30% पानी जो है चेंज करना है। आप जितना छोटा जगह में रखेंगे उतना ही जल्दी आपको एवरी डे या एवरी 2 डेज के बाद पानी चेंज करना होगा, या अगर आप बहुत बड़ा जगह में रख रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 7 दिन के बाद भी पानी चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी घर में अगर मौली फिश है और अगर वो कभी फ्यूचर में बच्चा देती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि जितना भी फ्राइज है उसको आप कहीं अलग कर लीजिए। ये सारे फ्राइज को कहीं भी रख सकते हैं, बस स्पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें एक दो हाइडिंग प्लेसेस डाल दीजिए। हाइडिंग प्लेस और बड़ा स्पेस ये दोनों मस्ट है। हाइडिंग प्लेस ज़्यादा रहने से फिशेस का जो फ्राइज है वो लोग अपने आप को सेफ फील करेगी, और वो लोग का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी कम रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपका स्पेस भी है वो बड़ा रहेगा, तो क्या होगा कि फिशेस को स्विम करने का एरिया जो है ज़्यादा मिलेगा, जिसके वजह से वो लोग का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ उन लोग का जो स्ट्रेस है वो भी कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे मेन रीज़न जिसके वजह से मैक्सिमम फिशेस जो होता है वो इसी रीज़न के वजह से मरता है। सो फर्स्ट 10 डेज में मैक्सिमम फिशेस जो होता है वो इसलिए मरता है क्योंकि वो लोग को स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि फ़िश फूड होता क्या है। हम लोग फ़िश फूड डाल देते हैं, लेकिन कुछ फिश ही स्टार्टिंग में जिसको समझ में आ जाता है कि ये कुछ खाने का चीज़ है वो लोग खाना शुरू कर देती है, और कुछ कुछ फिशेस जो होता है वो लोग को समझ में नहीं आता कि ये कुछ खाने का चीज़ है, वो लोग खाती नहीं है वो चीज़। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपके पास फिशेस है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग बेबीज़ दिया है, तो एक साथ ही सारा बेबीज़ को मत रखें। एक साथ सारा बेबीज़ को रखने से क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो बड़ी फिशेस है वो जल्दी जल्दी सारा दाना खा लेगी, और जो छोटी फिशेस जो कमज़ोर है थोड़ी, उसको खाने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मौली फिशेस जो है वो छोटी मौलीस के पीछे चेस करेगी, जिसके वजह छोटी मौली फिशेस जो है वो सही से खाना नहीं खा पाएगी और धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 10-10 फ्राइज का, अगर आपके पास 30 फ्राइज है तो उसको 10-10 फ्राइज का एक ग्रुप बनाइए, और वो ग्रुप को 10 डेज के लिए अलग रखिए, बिग स्पेस और बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस के साथ। इससे क्या होगा कि फिशेस के अमंग में जो फाइट होता है वो कम हो जाएगा, और सारी फिशेस को सही अमाउंट में जो फूड चाहिए वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन फ्राइज को फूड कितना देना है और कितना क्वांटिटी में देना है। अगर आपके पास 10 मौलीज है को आप क्या करेंगे, सुबह एक बार 5 पैलेट देंगे ऑप्टिमम का, या फिर जो भी फिश फूड आपके पास है। पैलेट का साइज़ जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पर मैं सजेस्ट करूँगा ऑप्टिमम 3-in-1 जो होता है, जो छोटा पैलेट्स वाला छोटा फिशेस के लिए होता है, आप वो भी देख सकते हैं, या फिर ऑप्टिमम एक पिंक कलर का जो पैकेट आता है आप वो भी देख सकते हैं। अब 5 पैलेट ऑप्टिमम का आप डाल के छोड़ दिए, उसके बाद आपको 5 मिनट वेट करना है। अपने आप जैसे देखेंगे एक फ़िश खाने के लिए आएगी,
बाकी तभी सारी फिशेस भी आ जाएगी खाने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पैलेट्स को पीस के देते हैं, पाउडर बना के देते हैं। पाउडर बना के भी आप दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा जो पाउडर है वो अनईटन हो जाता है, वो फिश नहीं खाती है। और उससे फिर क्या होता है, पानी का क्वालिटी जो है आपका गंदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि फ़िश को जो होता है फंगस लग जाता है इसी वजह से। तो मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगा पैलेट्स जो है वो बड़ा ही रखिए। थोड़ा टाइम लगता है पैलेट्स को फूलने के लिए, लेकिन फूलने के बाद फिशेस उसको आराम से छोटा छोटा पीसेस में तोड़ तोड़ के खा लेती है, जैसे कि आप अभी मेरे वीडियो में देख रहे हैं। इनको अभी 10 मिनट्स लगेगा, 10 मिनट्स के अंदर ये जो पैलेट आप देख रहे हैं ये एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब आप एक बार सुबह तो फीड कर दिए, उसके ठीक 10 घंटे बाद, मिनिमम 10 घंटे बाद आपको एक और बार फीड करना है। इस बार भी 5 पैलेट्स, 10 फ्राइज के लिए 5 पैलेट्स है, आपको ज़्यादा एक भी पैलेट नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, फिशेस को ओवर फीड करते हैं। ओवर फीड से ही फिशेस जो होता है वो मर जाती हैं। ओवर फीड से बहुत लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि वो लोग का फ्राइज जो है जल्दी बड़ा होगा, लेकिन फ्राइज जल्दी बड़ा तो होता है लेकिन ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता, वो 5 दिन 10 दिन के बाद मर जाता है। इसलिए ओवर फीड तो एकदम ही नहीं करना। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बात कर लिए है फिशेस को बड़ा स्पेस देना है, फिशेस के लिए ज़्यादा हाइडिंग प्लेस देना है, फिशेस को ओवर फीड नहीं करना है, एक दिन में बस 2 ही बार करना है 10 आवर्स का गैप में, और एक लास्ट जो पॉइंट है वो है कि फिशेस को एकदम लाइट के नीचे नहीं रखना है। फ्राइज को ऐसे प्लेस में रखना है जहाँ पर लाइट जो है वो हो लेकिन बहुत कम हो। सो फ्रेंड्स, यही था कुछ टिप्स फ्राइज का टेक केयर करने के लिए, जो कि मैं अपने बहुत साल के एक्सपीरियंस के साथ सीखा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, ये मौली फिश जिसको आप देख रहे हैं इसका मैं आप लोग को एक अपडेट दे देता हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ये कितना बड़ा हुआ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं ये फिश काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है 1.5 महीने में, और मेरे हिसाब से इसको अभी और 1 महीना लगेगा थोड़ा और बड़ा होने में, और उसके बाद मैं इसे अपने फ़िश पॉन्ड में डाल सकता हूँ। और अभी कभी जो 4 मौली फिश है इसका भी अपडेट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।